परिस्थितियां ऐसी है, लो वक्त कह रहा है कि ट्रेनिंग तू ना दे, ट्रेनिंग तुझे मैं देने नहीं दूंगा। और मुझे मजा आ रहा है, एक्साइटमेंट ये है कि मुझे ट्रेनिंग देना ही देना है। तो आपकी महत्वाकांक्षा कितनी तीव्र है, किसी कार्य को करने की विजय वही होती है। परिस्थितियां हर वक्त आपके समक्ष दो तरीके की होती है। एक परिस्थितियां होती है कि आप नहीं कर सकते, हर हालात में आपको सिर्फ ना ही नजर आएगा, हाँ नजर नहीं आता। लेकिन परिस्थितियों में भी जब अपनी मनस्थिति का इस्तेमाल करते हैं आप, तो आपको हर ना में हाँ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। तो आज की कमांडो ट्रेनिंग, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बोला, बहुत ही खास है। बैकग्राउंड नॉइज भी है, तकलीफों को साक्षात आप देख भी सकते हैं, फिर भी मैं लगातार इसी अंदाज में दहाड़ता हुआ जा रहा हूं और आप सभी को कामयाब बनाने का जो संकल्प है मेरा, उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए मैं तैयार हूं। तो ये जो आप देख रहे हैं रेनेटस वेलनेस कमांडो ट्रेनिंग, ऑल रेनोवियंस आर कमांडो, ये क्यों हुआ? क्योंकि 3 जुलाई 2018 को फ्रूट रोड बेरी चेरी मशरूम लीफ के कॉम्बिनेशन के बदौलत एक प्रॉपर डब्बे को तैयार किया गया, आपके समक्ष लाया गया। और ये जो डब्बा है, ये जो बॉटल देख रहे हैं आप, इसने पूरे भारतवर्ष में एक क्रांति का रूप लिया, एक रेवोल्यूशन, एक ऐसा रेवोल्यूशन जो ना रुकता है ना ठहरता है, एक ऐसी क्रांति जिस क्रांति के गर्व से 154 करोड़पति निकल गए, एक ऐसी क्रांति जिस क्रांति से आज पूरा भारतवर्ष जगमगाने को तैयार है, एक ऐसी क्रांति जिस क्रांति में 500 से ज्यादा लोग 10 लाख से ज्यादा सालाना कमाने लायक बन गए, यानी कि मिलीनियर बन गए। इन सिद्धांतों पे आपने बहुत सारे दिग्गज को बड़े करीब से महसूस किया है, सुना है। फ्रूट रूट बेरी चेरी मशरूम एंड लीफ का कॉम्बिनेशन, उच्चतम गुणवत्ता का प्रोडक्ट सबसे सस्ते दरों पर। मैं फिर दोहराता हूं, उच्चतम गुणवत्ता का प्रोडक्ट सबसे सस्ते दरों पर। एक आम इंसान को ये लीडर बना जाता है। लोग पूछते हैं क्या फिलॉसफी है, क्या क्या सिद्धांत है, क्या ऐसे सिद्धांतिक प्रमाण है जिससे रेनेटस में इतने सारे अचीवर्स बनते गए, क्या ऐसा रहस्य है जिसमें 1.5 करोड़ रुपए कर्ज में रहने वाला इंसान भी आज गर्व से कहता है कि मैं कर्ज को मैं भरने के बेहद करीब हूं और अपनी जिंदगी में अब चाहतों की जिंदगी मैंने जीना प्रारंभ कर दिया है। ऐसा क्या रहस्य है रेनेटस में कि 27 लाख रुपए कर्ज में रहने वाला इंसान 5 लाख रुपए महीने कमाना प्रारंभ कर देता है? ऐसा क्या रहस्य है जो इंसान 10 साल 12 साल लगातार संघर्ष कर रहा था, वो इंसान ऑल ऑफ सडन रेनेटस का दामन थामता है और 5 लाख 4 लाख रुपए महीने पर पहुंच जाता है? ऐसा क्या रहस्य है कि एक इंसान सुसाइड करने जाता है पंजाब की सरजमी से, सुसाइड करने को परेशान हो जाता है कि अब मुझे मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं है, और वो इंसान सारे वक्त हालात परिस्थितियों को छोड़कर पीछे आगे बढ़कर जीवन में 7 लाख 8 लाख 9 लाख 10 लाख रुपए महीने तक पहुंच जाता है? क्या है? आपने इन सारे कमांडोज को इसी चैनल पर सुना है, क्या ऐसा रहस्य है, क्या ऐसा फॉर्मूला है? आप अगर पहली बार किसी के आमंत्रण पे आए हैं तो आपके जहन में भी ये बातें जरूर होगी कि ऐसा क्या फॉर्मूला है कि एक 15,000-20,000 की नौकरी करने वाला ड्राइवर, एक साधारण इंसान जिसको लोग सिर्फ रे करके बात करते हैं, वो इज्जत वो सम्मान नहीं देते जिस सम्मान के वो रियल में हकदार होते हैं, आज वो ड्राइवर साहब नहीं रहे, वो पूरे भारतवर्ष में उन्होंने अपनी एक पहचान बना ली। आज जहां भी वो पहुंचते हैं उनके लिए सर झुकता है, आज उनके इस्तकबाल में उनके स्वागत में हजारों हजार लोग मालाएं लेकर खड़े होते हैं कि एक बार उनकी झलक मिल जाए। क्या है रेनेटस में कि आज इतने बड़े बड़े दिग्गज लगातार बनते गए? क्या है रेनेटस में? मैं उन्हीं लीडर्स की बात कर रहा हूं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, लेकिन आपने अगर कमांडो ट्रेनिंग बैक टू बैक अटेंड की है तो आपको ये पता होगा कि एक साधारण मैकेनिक जिन्होंने छोटी छोटी गाड़ियों की सर्विसिंग करने की जिम्मेदारी ली थी, कभी स्प्लेंडर प्लस की सर्विसिंग करते थे तो कभी सीडी डाउन की सर्विसिंग किया करते थे, कभी राजदूत की करते थे तो कभी बुलेट की करते थे, ऐसे इंसान कैसे अपनी जिंदगी में अपने सपनों का घर बना पाए, कैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ के मेहनत करके समर्पण भाव से 2 साल में 5 करोड़ रुपए तक का सफर? पढ़ जी कह क्या रहे हो आप, एक रेनेटस के बॉटल के बदौलत। सच सुन रहे हैं आप, यही सच्चाई है। एक रेनेटस की बॉटल में इतनी ताकत है कि पूरे विश्व को
इसने एहसास करा दिया है अपनी चमक के बारे में, इसने पूरे विश्व को मैसेज दे दिया, एनीबॉडी कैन अर्न इन रेनेटस वेलनेस। अगर आपने जीवन में लगातार हार का सामना किया है, अगर आप अपने पूरे जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हुए, ज्वाइन रेनेटस। जीवन में अगर आपके अभी भी सारे अरमान अधूरे हैं, ज्वाइन रेनेटस। अगर आपने अपने परिवार की आंखों में आंसू लगातार देखे हैं और आंसुओं को फिर से निकालना चाहते हैं खुशी के आंसू में तब्दील करके, तो ज्वाइन रेनेटस। रेनेटस ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने लोगों को एक धागे में पिरो कर रख दिया है। रेनेटस ये एकमात्र पूरे भारत में ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने अलग अलग लोगों को भी एक साथ एकजुट होकर कार्य करने की शक्ति प्रदान की है। रेनेटस वेलनेस एक ऐसा मैनेजमेंट है जिसने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम आप सभी के लिए तैयार किया। रेनेटस वेलनेस एक ऐसा सिस्टम है जिसने पूरे भारत को मैसेज दिया कि ना हमारी प्रोडक्ट दवाइयां हैं, ना हम डॉक्टर हैं, हम उन औषधीय गुणों के सिद्धांतों पर कार्य करते हैं जिन सिद्धांतों के तहत वो पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं जिन पोषक तत्वों की कमी से इंसान गंभीर से गंभीर बीमारियों का शिकार होता है। अगर उन पोषक तत्वों की सही संरचनात्मक नीतियों के तहत अगर प्रयोग करा दिया जाए, उन पोषक तत्वों की पूर्ति से सारी समस्याएं शरीर की खत्म हो सकती है। और जब शरीर की सारी समस्याएं खत्म हो गई, तो अगर आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आप कभी बीमार नहीं होंगे और गलती से गंभीर बीमारियों के शिकार भी हो चुके हैं तो उन बीमारियों से आप बाहर निकल जाएंगे। मैं आपको यही एहसास कराने की कोशिश करता हूं और कर रहा हूं। ये रेनेटस वेलनेस है साहब, मोहब्बत ऐसी, समर्पण ऐसी कि शब्दों में इसे बयां नहीं किया जा सकता। यही है वो फ्रूट रूट बेरी चेरी मशरूम एंड लीफ का कॉम्बिनेशन, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसने पूरे विश्व को अलग तरीके से कनेक्ट किया है एक धागे में। मैंगोस्टीन फलों की रानी के तौर पे जाना जाता है। आज इसके दो तरीके मैं सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एक उनके लिए जिनको साइंटिफिकली समझना नहीं आता है या साइंटिफिकली डुप्लीकेट नहीं कर पाते, उनको मैं बताना चाहूंगा। आप दो तरीके से आज मेरी ट्रेनिंग को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप किसी को बताने जाते हैं, आपको लगता है कि आप विटामिन B9 के बारे में नहीं बोल पाएंगे, आपको लगता है कि आप सियानाइडिन ज़ेनोथॉन्स के कंपोजिशन को नहीं समझा पाएंगे, अगर आपको लगता है कि आप प्रॉपर वे में क्लोरोजेनिक एसिड के बारे में नहीं समझा पाएंगे, आपको लगता है कि आप प्रॉपर वे में एक एक पॉइंट के एक्सप्लेनेशन मोड को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आप सिंपल तरीके से समझने की जरूरत है। आपको भारत ही नहीं पूरे विश्व का एकमात्र सफल जो फल नेचुरली प्राकृतिक तौर पर शरीर के किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को, शरीर के किसी भी प्रकार के स्किन से रिलेटेड यानी कि त्वचा रोग से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या को नस्तोनाबूत कर सकता है, सही कर सकता है, ठीक कर सकता है, सोराइसिस जैसी समस्या को ठीक कर सकता है, सफेद दाग को ठीक कर सकता है, दांत खाद खुजली को ठीक कर सकता है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं, और ये मैं उनके लिए भी बता रहा हूं जिन्होंने अब तक कंपोजिशन की डर से, किस पाठक जी तो बड़ा फास्ट बता देते हैं, ज़ेनोथॉन्स जब कनेक्ट हो गया सियानाइडिन के साथ, ज़ेनोथॉन्स जब कनेक्ट हो गया पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस और गामा लियोलेनिक के साथ, तो ये हो गया, आप नहीं बता पाते हैं। तो मैं आपको सरल प्रारूप बता रहा हूं, सिर्फ एक लाइन रट्टा मार लीजिए, रट्टा लगाइए, तेरे नौ इंग्रेडिएंट बताने में आपको 9 मिनट लगेंगे साहब, मेरी बातों पर यकीन करिए। क्या बोलना है? त्वचा रोग विशेषज्ञ कौन है? हेलो, आपका डर्मोलॉजिस्ट कौन है? उसका नाम है मैंगोस्टीन। क्या बोलेंगे आप? आपका डर्मोलॉजिस्ट कौन है? उसका नाम है मैंगोस्टीन, त्वचा रोग विशेषज्ञ। इसको आप अपनी भाषा में याद कर लीजिए। मैं ये ऑफिशियल ट्रेनिंग में आपको समझाने हेतु आपको समझा रहा हूं, आपको समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि ऐसे आप याद रख सकते हैं, आपका त्वचा रोग विशेषज्ञ कौन है? हेलो, मैं फिर कहता हूं, ना हमारी प्रोडक्ट दवाइयां है, ना हम डॉक्टर हैं, लेकिन आपको जीवन भर ये लाइन याद रहे, इसलिए मैंने इस शब्द को आपके समक्ष रखा है। आपका त्वचा रोग विशेषज्ञ कौन है? इसका नाम है मैंगोस्टीन, क्योंकि ये दांत खाद खुजली को ठीक करता है, साथ ही साथ सोरायसिस की गंभीर से गंभीर प्रॉब्लम्स को क्योर करता है, केयर नहीं करता है, क्योर करता है, साथ ही साथ ये सफेद दाग को भी क्योर करता है, क्योंकि इसके अंदर
अब साइंटिफिकली समझने वालों के लिए मैं बता दूं, क्योंकि इसके अंदर अगर कोई आपसे पूछ देता है क्यों, व्हाई एंड हाउ, कैसे, आप एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इसके अंदर मौजूद जो तत्व हैं वो तत्व है ज़ेनोथॉन्स। इसके अंदर जो मौजूद कॉम्पोजिशन है वो है सियनेडीन, विटामिन B9। अब सियनेडीन इसके अंदर नहीं है, ये सॉर थ्योरी से कनेक्ट करता है, ये गामा लियोलेनिक से कनेक्ट करता है, ये पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस से कनेक्ट करता है जो कि ब्लैक करंट में मौजूद है। जब ये संरचना एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं, तब ये अद्वितीय अकल्पनीय कॉम्पोजिशन तैयार होता है। जिन्हें भी साइंटिफिकली किसी बड़े डर्मोलॉजिस्ट को MBBS को कन्विंस करना हो, आप ये कॉम्पोजिशन, ये संरचना उनकी आंखों में आंखें मिलाकर रख सकते हैं, गूगल करके देख ले, या अपने पौराणिक किताबें ना जाने कितनी पढ़ी होगी बड़े बड़े MBBS में, आप उनके समक्ष खोल के रख दें कॉम्पोजिशन की संरचनाओं को, वो यकीन मानिए आपके फैन हो जाएंगे, आपके दीवाने हो जाएंगे। कैसा लगा मैंगो स्टीन बताने का तरीका? त्वचा रोग विशेषज्ञ, स्किन से रिलेटेड आपका डर्मोलॉजिस्ट है ये मैंगो स्टीन, क्या आपको याद रहेगा? कमेंट के ऑप्शन में हमें जरूर। चलिए, आपने त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिल लिया, आप सेक्सोलॉजिस्ट से मिलते हैं। शब्द का प्रयोग मैं आपको बड़े डिफरेंट डिफरेंट तरीके से समझाऊंगा, आपको हेयर ट्रीटमेंट वाले से मैं मिलवाऊंगा, डिफरेंट जनरल फिजिशियन से भी इसी में मिलवाऊंगा, क्योंकि अगर साधारण शब्दों में इसका ख्याल रखा जाए तो ये इंपोर्टेंसी की कंडीशन में यानी कि नपुंसकता में, ये प्रीमेच्योर एजेकुलेशन में यानी कि शीघ्र पतन में, नाइट इमिशन की समस्या यानी कि आप समझ सकते हैं स्वप्न दोष में, थायराइड की कंडीशन में, बाल्डनेस गंजेपन की कंडीशन में ये बड़ा सक्रिय रूप से कार्य कर रहा होता है। आप इतने लाइनों में भी अपना काम कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई पूछता है हाउ, पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है मार्केट में, और आपसे तर्क वितर्क करने वालों की भी कमी नहीं है, तो साइंटिफिकली कैसे प्रूफ करेंगे? ये मैंने जो बताया देसी अंदाज में आप डिलीवर करिए, इतना बोलकर भी आप पास हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सारे कॉम्पोजिशन को बताना, लेकिन जब कोई साइंटिफिकली प्रूफ ढूंढ रहा है आप उनको समझा सकते हैं। जब विटामिन B6 की कॉम्बिनेशन सियनिडीन GLA के साथ कनेक्ट होती है और ज़ेनोथॉन्स की जब ये मदद लेता है, तब ये संरचनाएं अद्वितीय कल्पनीय होती है, आप ऐसे करके उनको समझा सकते हैं। तो ये परंपरागत सिस्टम को आप डेवलप कर सकते हैं, इस तरीके से बताने की क्रियाओं को रख सकते हैं। सिंपल, सेक्सुअल लाइफ में किसी भी प्रकार की हो रही समस्या आप दूर कर सकते हैं मकार रूट के कॉम्बिनेशन की बदौलत। शॉर्ट में सरल भाषा से आप बता सकते हैं, शरीर में जो हांफने की सिस्टम स्टार्ट हो जाती है, 10 कदम चलने के बाद हांफी आना स्टार्ट हो जाता है, स्टेमिना घटा हुआ होता है इंसान का, वहां पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। खास करके 100 मीटर के स्प्रिंटर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो 100 मीटर की दौड़ दौड़ते हैं एथलीट को आपने देखा होगा, अर्ली मॉर्निंग ग्राउंड पे मिलेंगे आपको, ग्राउंड पे मिलते हैं। जो 1600 मीटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको कम समय में तेज भागना है, मक्का रूट वरदान है उनके लिए। जिनका शरीर लगातार थकता हुआ जाता है, वो बैठने लगते हैं, पसीने से लथपथ हो जाते हैं, हर बार आलस की अनुभूति हो रही होती है, लगातार आलसी हो जाते हैं, कहीं भी बैठेंगे तो सिर्फ खाना ढूंढते हैं, फूडी बन जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए मक्का रूट वरदान के स्वरूप है। यह सिर्फ इंपोर्टेंसी में ही काम नहीं करता है, यह आपके जीवन को पटरी पे लाता है, आपके शरीर से आलस को हमेशा के लिए एलिमिनेट कर सकता है। ये आलस का भी ये सुपर नेचुरल खुराक है। सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में आलस है, लोग उठना नहीं चाहते, लोग हिलना नहीं चाहते, हाथ बढ़ा के पानी तक नहीं पीना चाहते। ओ भाई, माँ थोड़ा ला के दे दे, पत्नी ला के दे दे, बेटा ला के दे दे, खुद हिलेंगे नहीं साहब, बुढ़ापे में डंडे के सहारे जाना पड़ता है बाथरूम भी। ऐसे लोग के लिए, एक्टिवनेस के लिए, आपके शरीर की एक संचार को एक अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये प्रबल आपका साथी हो सकता है, जिसका नाम मैंने बताया मक्का रूट। आज तक आप सिर्फ इंपोर्टेंसी में जानते थे, सेक्सोलॉजिस्ट विशेषज्ञ इसको समझते थे, आप समझ रहे ना, गुप्त रोग विशेषज्ञ समझने वालों के लिए।
है ना। लेकिन ये सिर्फ गुप्त रोग विशेषज्ञ नहीं है, ये आपके जीवन का सबसे तगड़ा विशेषज्ञ है। इस कॉम्पोजिशन को रेनेटस वेलनेस ने एक ही धागे में पिरोकर उन 9 इंग्रेडिएंट के साथ सजा कर रखा है। क्या आज के बाद आप कभी भूलेंगे? पहला कौन था? त्वचा रोग विशेषज्ञ। नाम कौन है? मैंगोस्टीन भैया। क्या नाम है उसका? आपको भैया, भाभी, चाचा, चाची, काका, काकी, मैं सबसे मिलवाऊंगा अभी। भैया कौन है आपके? मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन कौन है? त्वचा रोग विशेषज्ञ। और सबसे बड़ी बात है कि त्वचा रोग विशेषज्ञ जरूर है लेकिन ये दवाइयां नहीं है। जैसे हल्दी दवाइयां नहीं है, लौंग दवाइयां नहीं है, अश्वगंधा दवाइयां नहीं। आप यूज करते हैं ना जनरली? करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं डेली बेसिस पर होम रेमेडीज के तौर पर। तो ये दवाइयां नहीं है फिर भी इतना बड़ा काम करता, तो भैया कौन हो गए? मैंगोस्टीन। समझ रहे हैं ना? माकारोट किस तरीके गुप्त रोग विशेषज्ञ, हमेशा याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। ये सब बातें भूलते नहीं है ना लोग। ये एक्सीडेंटली मैं आपको समझा रहा हूं, एक डिफरेंट तरीके से आपके माइंड को डिफरेंट लेवल पे ले जाके मैं आपको सिखा रहा हूं कि जीवन में आप कभी भूले ही ना, चाहे आपकी मनस्थिति कुछ भी हो, लेकिन मैं ये विश्वास के साथ जैसे समझा रहा हूं आप कभी भूलेंगे नहीं। माकारोट हर तरीके से काम करता है। अब मैं बात करता हूं साइबर इंजन से। अब टक टक की आवाज भाई साहब, जहां से भी टक टक की आवाज आ रही है, हाथों के ज्वाइंट से तकलीफ हो, कंधे की ज्वाइंट में तकलीफ हो, घुटनों के ज्वाइंट में तकलीफ हो, अर्थराइटिस की कंडीशन आ चुकी हो, उन परिस्थितियों में ये ब्रह्मास्त्र का काम करता है। जिनके स्पाइनल कोड, आज नया स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं, जिनके स्पाइनल कोड में प्रॉब्लम है, पीछे रीढ़ की हड्डी में कुछ भी चुनौती है, गलती से कभी एक्सीडेंट हो चुका है गंभीर, और उनका पैरालिसिस का कंडीशन आ चुका है, उनका शरीर काम नहीं कर रहा है, या कोई बच्चा सेबरल पाल्सी का पेशेंट है जो बचपन से ही मूवमेंट नहीं कर रहा है 2 साल 2.5 साल के बाद, उसके लिए साइबेरियन जिनसेग किसी दैवीय वरदान से कम नहीं है। आपको भूलने की जरूरत नहीं है साहब, ये याद रखिए। अगर कोई पूछे सुपर नेचुरल गिफ्ट ऑफ गॉड, सुपर नेचुरल गिफ्ट ऑफ गॉड, आप आंख बंद करके साइबेरियन जिनसेग को याद करेंगे, क्योंकि ये बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा है, क्योंकि 40 के बाद ही टक टक की आवाज शुरू होती है, और उस टक टक को एकदम बहुत बेहतर तरीके से क्योर करने का कार्य करता है हमारा प्यारा साइबेरियन जिनसेग। ये बच्चों के अंदर जो बचपन से गंभीर समस्या होती है, जिनसे ये अलग बच्चों की तरह प्रतीत होते हैं, बचपन से ही बहुत सारे लोग शारीरिक विकास उनका नहीं हो पाता है, बौद्धिक विकास भी नहीं हो पाता है, सेबरल पाल्सी जैसी कंडीशन में ये वरदान से कम नहीं है, लेकिन कम से कम 1 साल निरंतर प्रयोग करवाना पड़ेगा, बिल्कुल लिमिटेड मात्रा में। आधा टेबलेट का प्रयोग करना है और उसको देने का तरीका डिफरेंट है। ऐसे करके आप कनेक्ट कर सकते हैं, पूरा टैबलेट आप नहीं देंगे क्योंकि इसमें 9 इंग्रेडिएंट्स हैं, लिमिटेड मात्रा बच्चों को दिया जा सकता है। उन बच्चों को, खास करके बीमार बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, सभी बच्चों की नहीं, बीमार बच्चों की। तो साइबेरियन जिनसेग आप समझ गए। अब जो साइंटिफिकली समझना चाहते हैं मैं उनको बताता हूं, टक टक की आवाज को दूर कैसे करेगा। ये विटामिन B12, विटामिन D, विटामिन B12 और विटामिन D जब क्लोरोजेनिक एसिड का मदद लेता है, और क्लोरोजेनिक एसिड नेचुरल वे में कहां पाया जाता है? सॉर्ट चेरी में पाया जाता है। और बीटा कैरोटीन का जब मदद लेता है, बीटा कैरोटीन कहां पाया जाता है? सिगरू के अंदर पाया जाता है, जो कि इसी के अंदर मौजूद है। तब ये फिर जो मोहब्बत करता है एक दूसरे के साथ, ये कॉम्बिनेशन विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक आज तक कंफ्यूज है कि होता तो होता कैसे है। सुपर नेचुरल गिफ्ट ऑफ गॉड, व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पोजिशन। रेनेडस ने जब 6 साल का रिसर्च किया, जब रेनेडस ने वर्ल्ड क्लास रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट लाए मार्केट में, तो लोगों को स्वीकार करने में असमर्थता प्रतीत हो रही थी लोगों के अंदर मनस्थिति स्थिर नहीं थी कि क्या एक प्रोडक्ट वाली कंपनी इतना बड़ा रिसर्च करके ला सकती है। आज जो लोग गूगल करके चेक करते हैं या इसके रिसर्च को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उनकी आंखों से टप 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 आंसू निकल रहे होते हैं जब इसकी सारी संरचनाओं को पढ़ लेते हैं। भाई साहब,
नौ इंग्रेडिएंट में ही पूरा आयुर्वेद का निचोड़ निकाल के रख दिया रेनेटस ने, नौ इंग्रेडिएंट में ही लोगों को जीने की वजह दे दिया रेनेटस, नौ इंग्रेडिएंट में ही हर लम्हा आपके परिवार को लंबी आयु दे गया रेनेटस। चंद नाइन इंग्रेडिएंट फ्रूट रूट बेरी चेरी मशरूम एंड लीफ की इस संरचनात्मक नीतियों ने पूरे विश्व को एहसास करा दिया कि अब वक्त आ चुका है, रॉक करेगा रेनेटस पूरे विश्व में। कल भी कोई मुकाबला नहीं था, आज ढूंढते रह जाओगे नहीं मिलेगा कोई कंपटीटर, और आने वाले वक्त में भी कोई नहीं मिलेगा। रेनेटस का मुकाबला करने वाला अगर कहीं मिलेगा तो सिर्फ रेनेटस ही मिलेगा। हर वक्त खुद को अपग्रेड करने का संकल्प ले चुका है, और हमें तो गर्व की अनुभूति है, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ रेनेटस वेलनेस। हमें गर्व की अनुभूति होती है, हम पार्ट है रेनेटस के, हमने मोहब्बत की है रेनेटस से। क्या आपने मोहब्बत की है रेनेटस से? डिजिटल कमांडो ट्रेनिंग से फिजिकल कमांडो ट्रेनिंग तक पहुंच गए हम। हमने लोगों को एहसास कराया जीतने का मंत्र, हमने लोगों को एहसास कराया कि एक एक आम इंसान बनेगा खास, मोहब्बत तो कर तू रेनेटस की दुनिया से। इंग्रेडिएंट को आंखों में आंखें मिला के बताना तो प्रारंभ कर। हमने नया ट्रेंड स्टार्ट किया, अगर फास्ट ट्रैक से कामयाब होना है मोहब्बत कर लो 640 सीसी से, 40 घरों तक एक एक बोतल पहुंचा के देखो, 40 घरों तक अपने फेस वैल्यू का इस्तेमाल करके बोतल पहुंचा के तो देखो, पता भी नहीं चलेगा कब 15-20 लोग 10 दिनों के अंदर ही कहेंगे भाई मुझे तेरे साथ जुड़ के काम करना है। मैं कोई रीजन नहीं मांगूंगा कि तूने कब और कहां से ज्वाइन किया, बस तू मुझे अपने साथ काम करने का मौका दे। ऐसे ही लोग आपको ढूंढते हुए नजर आएंगे अगर आपने अपनी फेस वैल्यू पर 40 घरों तक एक एक डब्बा पहुंचा दिया तो। फास्ट ट्रैक फार्मूला 640 सीसी आज का ये पावरफुल मंत्र है जो मैं आपको दे रहा हूं। समझ रहे हैं आप? कैसी लग रही है ट्रेनिंग? मजा आ रहा है? हेलो कमांडोस, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आनंद की अनुभूति कर रहे हैं आप? जिसके माध्यम से आए हैं एक बार उनका नाम जरूर ले लें। आप 1500 लोग हैं, 1500 लोगों से मेरी गुजारिश है आप लोग अपने अपलाइन का नाम जरूर बताएं, हमें एक बार देखना चाहूंगा। चलिए अब बात करते हैं एल्डरबेरी की। सर्दी खांसी बुखार जुखाम एलर्जी, अगर नाम जानना है उसको क्योर करने वाले ब्रह्मास्त्र का तो नाम है एल्डरबेरी। किसी को हो सर्दी, किसी को हो खांसी, किसी को हो जुखाम, किसी को हो एलर्जी, कुछ भी खाता हो उसका साइड इफेक्ट हो जाता हो, ऐसे महापुरुषों को याद करा देना एल्डरबेरी का कॉम्बिनेशन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी खाने के बाद उनको समस्याएं होने लगती है, उनका डाइजेस्टिव ट्रैक जवाब दे रहा होता है, ऐसे लोगों का ये ब्रह्मास्त्र है। ऐसे लोगों को ये इम्यूनिटी, उन ऐसे लोगों की इम्यूनिटी को ये ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचाता है। नाम है एल्डरबेरी साहब, भूलना मत कभी। सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, जुकाम हो, ये हमेशा उसको बहुत बेहतर तरीके से अपना बना लेता है, और ये जब अपना बनाता है तो उन समस्याओं को ये नेचुरली निगल लेता है। जब ये नेचुरली निगलता है तो सारी समस्याओं का अंत ऑटोमेटिकली वहां पे हो चुका होता है और आप क्योर हो जाते हैं। इसका लाइव एग्जांपल बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने, याद होगा आप लोग को, जब मैंने गुवाहाटी के प्रोग्राम में, अगर आप लोग को ध्यान हो तो बहुत ही गंभीर तरीके से मुझे सर्दी खांसी की समस्या हो रही थी,
अगर किसी को याद हो तो कमेंट के ऑप्शन में हमें जरूर बताएंगे। सर्दी खांसी की समस्या बड़ी प्रबल तरीके से हो रही थी, मैं बोल नहीं पा रहा था एक भी शब्द, लाइव इतने ऑडियंस के सामने इतने सारे लोग थे, मेरी हालत बड़ी खराब दिख रही थी। मैंने प्रमाणित किया इतने सारे लोगों के बीच में, 4 कैप्सूल लाइव एक एक लोगों के सामने मैंने खा के दिखाया। और जैसे ही मैंने खाया, जो लोग गुवाहाटी के प्रोग्राम में मौजूद थे, आप मेरा कमेंट के ऑप्शन में जवाब जरूर देंगे, क्या ऐसा वाकया हुआ था, कैसी फीलिंग थी। 4 कैप्सूल मैंने खाया, मैंने एहसास कराया अगर रेनेटस नोवा सामने है तो डॉक्टर को हम टाटा कहते हैं, भाई साहब आपकी जरूरत नहीं है, आपके सेलेक्टेड एंटीबायोटिक्स की हमें नीड नहीं पड़ सकती। और 4 टेबलेट खाने के बाद लगातार 3 घंटा हमने बोला था और एक बार भी मेरी आवाज से की आवाज नहीं आई, समझ रहे हैं आप। ये रियलिटी है रेनेटस नोवा की, ये क्वालिटी है। लोग दंग थे क्योंकि उन्होंने जीवन में पहली बार सुपर नेचुरल प्रोडक्ट को देखा था, क्योंकि लोग बताते तो जरूर हैं, दलीलें जरूर देते हैं, ट्रस्ट नहीं कर पाते। हमने 4 टेबलेट एट अ टाइम खाया, जिससे पहला जवाब लोगों को मिला कि सर इसमें साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, क्योंकि अगर 4 टेबलेट एट अ टाइम आपने लिया और सुबह में 2 लिया था और शाम को 2 की तैयारी है, यानी कि दिन भर में 7 टेबलेट दिन के 12 बजे तक अगर आपने खाया है, इसका मतलब है कि ये सुपर नेचुरल टेबलेट था, कोई साइड इफेक्ट नहीं, नो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग। और एक एक लोगों को ये विश्वास हो गया, लोगों को एहसास हो गया कि अगर ईश्वर का कुछ वरदान उनकी जिंदगी में मिल सकता था तो उसका नाम था रेनेटस, उसका नाम है रेनेटस। लोगों ने मोहब्बत किया, लोगों ने एहसास कर लिया कि जिंदगी होती कैसी है और जिंदगी रेनेटस के साथ कैसी हो सकती है, लोगों ने बड़े करीब से महसूस किया। तो ये एल्डरबेरी की विशेषता है। रॉसबेरी की मैं बात करूं, रॉसबेरी डेंगू की कंडीशन में जब प्लेटलेट्स डाउन हो रहा होता है, चेहरे पे ग्लो चाहिए, नेचुरल ग्लो कहते हैं ना, एकदम चेहरा जब कोई देखे तो आपके प्रतिबिंब को देखने के बाद उसके जहन में ये बातें आए कि चेहरा हो तो ऐसा हो वरना हो ही ना, ये वाली जो फीलिंग है ना, ये रॉसबेरी के कॉम्बिनेशन के बाद एकदम सत्य प्रमाणित होती हुई महसूस होती है लोगों को जब इस कॉम्पोजिशन के साथ कनेक्ट करते हैं लोग अपनी लाइफ को। आप इमेजिन करें, ये सारी संरचनाएं है साहब, ये सारी क्वालिटीज है। विकल्प ना कल था, विकल्प ना आज है, ना विकल्प सदियों में भी होगा। नाम है प्रोडक्ट का रेनेटस, नाम है प्रोडक्ट का रेनेटस नोवा। ब्लैक करेंट, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 कॉम्पोजिशन। अगर देहाती अंदाज में समझाएं, अरे लकवा कर गया है, लकवा ने मार दिया है तुझे, चल ब्लैक करेंट के शरण में चलते हैं। टीबी हो गया, बहुत बड़ा महामारी हुआ करता था एक जमाने में, बहुत बड़ा, टीबी के टीके याद है ना, कंडीशंस बड़ी बिगड़ी हुई होती थी। होने पर स्थितियों में लकवा हो, यानी कि पैरालिसिस हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, याद रखना मंत्र, मंत्र का नाम है ब्लैक करंट। और ब्लैक करंट एक ही डब्बे में कैद कहाँ है, उस कैद का कॉम्बिनेशन है रेनेटस नोवा का फ्रूट रूट मेरी चेरी मशरूम एंड लीफ की संरचना, एक ही डब्बे में डाल दिया गया है। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड का कॉम्बिनेशन जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कभी हावी नहीं होने देता। 2 नेचुरल ब्रह्मास्त्र, एक नारायण अस्त्र, एक ब्रह्मास्त्र, कौन है, पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस गामा लियोलेनिक, एक ऐसी संरचना कि दिल में ठंडी में भी गर्मी का एहसास करा दे, उबाल ला दे शरीर में। जब इसकी संरचनाओं को आप एहसास करेंगे, किसी भी परिस्थिति में ऊर्जा इतनी ज्यादा होगी आपके अंदर कि आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन अचीव एनीथिंग, व्हाट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ, यू कैन अर्न एनी टाइम। इसकी संरचनाओं को बस सीखना है, सिखाना है, मोहब्बत सी हो जाएगी आपको इसकी जिंदगी से, आप ब्लैक करंट से लगातार मोहब्बत करने लगेंगे। मैं बात करूं सौर चेरी की संरचनाओं की, तो सौर चेरी भी अद्वितीय है, अकल्पनीय है। 2 ऐसी संरचनाएं जिसकी वजह से इसने महान लेवल को छुआ है। सौर चेरी एक ऐसी कॉम्पोजिशन, एक ऐसी संरचना जिसने लोगों को मैसेज दिया कि शरीर में कहीं भी गांठ हो,
कैसा भी गांठ हो, उस गांठ को हम पूरी तरीके से नेचुरली बगैर दवाइयों के दिशा निर्देशित करके उसको क्योर करने की ओर हम ले जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं फिर कहना चाहूंगा कि एक भी इंग्रेडिएंट दवाइयां नहीं है, ना हम डॉक्टर हैं। ये नेचुरल फूड सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं हम लोग, नेचुरल फूड सप्लीमेंट। हमने अगर फूड कहा तो रियल में ये फूड है। सिर्फ आपके अंदर जो भी समस्याएं आई है आपके भोजन की कमी की वजह से ही तो आई है, क्योंकि हवा प्रदूषित, पानी प्रदूषित, भोजन प्रदूषित। जब हवा भी प्रदूषित, पानी भी प्रदूषित, भोजन भी प्रदूषित, तो हालात तो ये होना तय था। हम क्या करते हैं, जिन वजहों से चैलेंजेस आए उन वजहों को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको फुलफिल करते हैं, और उन वजहों को आइडेंटिफाई करके फुलफिल करने में बहुत अहम रोल प्ले करता है हमारा सौर चेरी। अब सौर चेरी क्या है, सौर चेरी में सियानिडीन एंड क्लोरोजेनिक एसिड नेचुरल वे में पाया जाता है। जब इसकी संरचनाओं को और डिटेल में आप जाके देखेंगे, जब आप इसको फील करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर एंटी कैटरेक्ट गुण भी पाए जाते हैं। एंटी कैटरेक्ट क्या है, कितने लोगों मोतियाबिंद के बारे में पता है, इसके अंदर ये संरचनाएं भी पाई जाती हैं जब ये ब्लैक करंट से थोड़ी मदद लेता है। आपको जानकर थोड़ी सी और हैरानी होगी और ज्यादा आप टेंशन में आ जाएंगे कि ये अकेला ब्लैक करंट और ज़ेनोथॉन्स के साथ मिलकर, यानी कि जो मैंगोस्टीन की संरचना है, ये एंटी पार्किंसन का भी रोल प्ले करता है, यानी कि लकवा में भी बड़ा अच्छा काम करता है। पाठक जी आपने क्या कह दिया, ये ईरान, सर्बिया, हंगरी, यूनाइटेड स्टेट्स में होता है, रसिया में होता है, टर्की में होता है, और आप कह रहे हो इतनी गुणवत्ता इसके अंदर पाई जाती है। अरे सही सुना भाई साहब, आपने पहली बार आए हो ना रेनेटस को सुनने के लिए, किसी ने गलती से आमंत्रित कर दिया ना। आप जीवन में 2-3 साल कहीं भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आज आपको एहसास हो जाएगा ये संरचनाएं ढूंढते रह जाएंगे लोग, ढूंढते रह जाएंगे लोग, ये नहीं मिलेंगी। इसी के अंदर एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो मैंने बताया गांठ, नींद ना आने की समस्या। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने लगातार अपने लाइफस्टाइल को बर्बाद कर रखा है, उनको समझ में नहीं आता कि जीवन में अब करना क्या है। ऐसे लोगों के लिए भी ब्रह्मास्त्र है हमारा ये सौर 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 चेरी 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 चेरी, भूलिएगा मत। सर्व समाधान इकड़े आहे भाऊ, सब समाधान है यहाँ पे, बस प्यार से मोहब्बत करना है सौर चेरी के साथ। और मोहब्बत करना सिर्फ सौर चेरी से नहीं है, रेनेटोसनोवा के डब्बे से है। सारी संरचनाएं तो एक डब्बे में ही आपको मिल जाएगी। गैनोडर्मा ल्यूसीडियम, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसने कैंसर, डायबिटीज, लीवर और गैस से रिलेटेड चैलेंजेस में आपको एक रास्ता दिखाया। एक ऐसा कॉम्पोजिशन जो कॉम्पोजिशन चीन में, जापान में, कोरिया में, थाई में बहुत प्रबल तरीके से पाया जाता है। कुछ लोगों ने सुना होगा साइटेक मशरूम होता है, एक माइटेक मशरूम होता है। गैनोडर्मा का तो मशरूम ऐसे ही समझते हैं ना। कुछ लोगों को पता होगा कि लेक्टोफेरेंस क्या होता है, लेक्टोफेरेंस की डिटेल इंफॉर्मेशन क्या होती है, बहुत लोगों को पता होगा। लेकिन शॉर्ट में अगर समझाने की कोशिश करूं, आपको शॉर्ट में समझाऊं, एहसास कराऊं, तो ये एंटी वर्टिगो का भी काम करता है। कितने लोगों को पता है एंटी वर्टिगो के बारे में, अगर मैं आपसे पूछूं तो लिमिटेड लोगों को पता होगा। जैसे चक्कर आने लगता है, ऑल ऑफ सडन सर घूमने लगता है, दिमाग घूम जाता है, समझ में नहीं आता कि करूं तो करूं क्या, अब क्या हो गया, निहाल हो गया, जीवन ने साथ छोड़ना प्रारंभ कर दिया, अब दुनिया गोल गोल नजर आने लगती है, उस वक्त ये बड़ा तगड़ा काम करता है। उसके बाद कैंसर प्रिवेंशन के लिए बड़ा अच्छा, कैंसर प्रिवेंटिव है, आप इसे ऐसे कह सकते हैं। उसके बाद बात करूं तो ये नेचुरल एंटीबायोटिक का भी काम करता है बहुत बेहतर तरीके से। इसके अंदर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं एंटीपायरेटिक की भी, बहुत बेहतर तरीके से इसके अंदर गुण पाई जाती है, जो जनरली आपके फीवर को कम करने में भी बहुत अच्छा काम करता है, फीवर से आपको बचाने में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके अंदर गुण एंटी अथराइटिक की भी है, जो घुटनों वाली मैंने बात बताई ना, साइबेरियन जिनसेंग के साथ मिलकर ये बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ही बेहतर तरीके से उसको कनेक्ट करने का काम करता है। और इसके अंदर अगर और विशेष गुणवत्ता की बात करूं, इसकी और कनेक्टेड सेल्स की बात करूं, इंगल पैथोन को कनेक्ट करता है। अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको सुना होगा, ये आपके प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी फैक्ट्री, क्या इसके बारे में आपने सुना है कभी, इम्यून की डिटेल्स के बारे में? चलिए मैं डिटेल में जाऊंगा, आप लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे, डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे आपको शॉर्ट में बताता हूं। इसकी और अगर विशेषताओं को डिटेल में जाऊं तो ये एंटी डिप्रेसेंट का भी काम करता है, ये डिप्रेशन से आपको बाहर निकालता है।
डिप्रेशन में किस कैटेगरी से आपको बाहर निकाल सकता है? ये आपको पीटीएसडी से बाहर निकाल सकता है, पीटीएसडी से बाहर निकलता है। बहुत सारे लोग को इसका फुल फॉर्म पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, पोस्ट लिख सकते हैं आप, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, उससे आपको ये बाहर निकालता है। मैं गैनोडर्मा ल्यूसिडियम के डेली में डिटेल में इसकी बातें नहीं कर रहा होता, मैं डेली इसके बारे में आपसे बातें नहीं करता हूं, मैं शॉर्ट में इसको बताकर निकल जाता हूं। आज मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बताता हूं, बता रहा हूं। अस्थमा में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, और सबसे बड़ी बात है कि दवाइयां नहीं है, इसकी मल्टीपल विशेषताएं हैं जिसको आप समझ सकते हैं। मैं जो क्वालिटीज बता रहा हूं, मुझे नहीं पता कि आप किस हद तक इस कंपनी के पार्ट बने हैं, किस हद तक आप इस कंपनी को जानते हैं, लेकिन आज इस गुणवत्ता को एहसास करने के बाद, कम से कम अपने परिवार से अगर आप मोहब्बत करते होंगे, खुद से अगर आप मोहब्बत करते होंगे, खुद को निरोग रखना चाहते होंगे, अगर पूरे जीवन भर निरोगी काया चाहते हैं, तो आपको आज के बाद सुबह दो शाम दो रेनेडस का कैप्सूल खाना ही होगा। यू डोंट हैव चॉइस। अगर आपको लगता है कि हवा प्रदूषित नहीं है, पानी प्रदूषित नहीं है, भोजन प्रदूषित नहीं है, तो आप किसी भी कीमत पे रेनेडस के इस कैप्सूल का प्रयोग ना करें, क्योंकि आप घर का जो भोजन करेंगे वो 100% शुद्ध होगा। लेकिन आप हमें यह बताएं कि ऐसी कौन सा खेत है जिस खेत में खाद का प्रयोग नहीं होता, और जिस खेत में खाद का प्रयोग होता है, क्या वो नेचुरल फूड आपको प्रदान कर सकता है, नेचुरल भोजन प्रदान कर सकता है? क्या आज फल के अंदर पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स इंक्लूडेड नहीं है? आप खुद की आत्मा से पूछिए, जब पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स इंक्लूडेड हैं, तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे? शरीर बना है ऑर्गेनिक चीजों के लिए, इनऑर्गेनिक चीजें जब इसके अंदर डालेंगे तो रिजल्ट आपको भी पता है क्या होगा। हमारी इन कंपोजिशन के अंदर सेल को रिवॉश, रीहील, रीजनरेट करने की एबिलिटी होती है, जो आपको नई जिंदगी बहुत बेहतर तरीके से प्रदान कर सकता है। मैं अब बात करूंगा सिगरू की। सिगरू का 4000 वर्ष पुराना इतिहास रहा है। कितना? 4000 वर्ष पुराना इतिहास रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है सिगरू, जिसको अगर आपने सिर्फ अकेला सिगरू को भी समझ लिया, तो आपको रेनेडस की कंपोजिशन से मोहब्बत हो जानी है। सिर्फ अकेला सिगरू को आपने समझ लिया, तो रेनेडस के हर लम्हे को जीना प्रारंभ कर देंगे आप। अब थोड़ा डिटेल में बताता हूं आपको क्या है सिगरू। इसके अंदर माँ के दूध में जो तत्व पाए जाते हैं, जो कंपोजिशन पाया जाता है, वो इसके अंदर पाया जाता है, उसका नाम है फॉलिक एसिड। इसके अंदर बीटा कैरोटीन पाया जाता है, विटामिन ए बी सी डी ई की संरचनाएं कंप्लीटली मौजूद है। इसकी बात करूं तो जरा हम ऑर्गन, शरीर हमारा कैसे बना है? शरीर करोड़ों अरबों सेल से बना है, कितने लोगों को पता है? सबको पता है। सेल के ऊपर क्या होता है? टिश्यू होता है। टिश्यू के ऊपर क्या होता है? ऑर्गन होता है, राइट? मैं सही कह रहा हूं? बहुत सारे लोग मेरी बातों से सहमत होंगे। शरीर टिश्यू बोलते हैं ना, सेल टिश्यू ऑर्गन। हमारी जो ये कॉम्पोजिशंस हैं, ये एक एक सेल को रिवॉश यानी कि धोने का कार्य कर सकती है, रीहील, जितने डैमेज एलिमेंट्स हैं उसको ये पूरी तरीके से क्योर करती हैं, ठीक करती हैं, और उसको रीजनरेट करने में लग जाती हैं। जब सेल पे काम हुआ तो टिश्यू पे ऑटोमेटिकली काम होगा। जब टिश्यू पे ऑटोमेटिकली काम हुआ, कहने का तात्पर्य है कि जब टंकी का पानी प्रॉपर सप्लाई होता है तो आपके किचन तक पहुंचता है ना, आपके बाथरूम तक पहुंचता है ना, हर जगह प्रॉपर सप्लाई होता है। जब टंकी में ही पानी ना हो तो कहां सप्लाई होगा? मोटर दबाते रह जाओगे आप, कभी कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यकीनन आप समझ रहे होंगे, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां की कहानी क्या है कि ये जब सेल पे काम करता है, कौन सा कॉम्पोजिशन? साइबेरियन जिनसेंग, लिस्टिडियम गैनोडर्मा एंड ब्लैक करेंट। साइबेरियन जिनसेंग, ल्यूसिडियम गैनोडर्मा, ब्लैक करंट एंड मैंगोस्टीन, ये संरचनाएं सेल को रिवॉश, रीहील, रीजनरेट करने में बड़ा सहायक की भूमिका अदा करती हैं। जब ये सहायक की भूमिका अदा करती हैं, तो आपके ऑर्गन पे बड़ा तगड़ा इफेक्ट आता है, इसका बड़ा तगड़ा प्रभाव होता है। अब आपके महत्वपूर्ण ऑर्गन कौन से है? आज थोड़े डिटेल में जा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आज आपको बहुत बेहतर महसूस होगा, क्योंकि आज शरीर के पांच ऑर्गन के बारे में थोड़ा मैं चर्चा कर देता हूं। आपके पांच महत्वपूर्ण ऑर्गन कौन से हैं? Five important organ in human body. What is five? You know, आपसे मैं पूछूं कि पांच शरीर के महत्वपूर्ण organ क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? कमेंट करिए, बताइए। थोड़ा देखता हूं मैं आपको भी भाई साहब, दिखाइए जलवा दिखाइए। आज बोरिंग ट्रेनिंग हो रही है ना, आज तो सिर्फ प्रोडक्ट पे पाठक जी बात कर रहे हैं, आज तो पैसों पे बात हो ही नहीं रही।
आज तो 5 लाख वाला आया नहीं भाई। आज तो 5 लाख वाला दिख नहीं रहा, 10 लाख वाला दिख नहीं रहा यार, खाली ज्ञान दिए जा रहा है, क्या बात है। आज ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिए जा रहा हूं मैं, रेनाटस की शक्ति का परीक्षण। आज शक्ति से रूबरू हो रहे हैं, क्यों सर्वशक्तिमान होता हुआ गया है रेनाटस वेलनेस, क्यों नहीं किसी के साथ मुकाबला था, है और होगा, इसका मैंने शॉर्ट में परिचय दिया है। मैंने आपसे कमेंट में पूछा है 5 इंपॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में बताइए, बता सकते हैं आप, क्या बात है, किडनी, हाँ, लीवर, किडनी, हाँ, क्या बात, क्या बात, डाइजेस्टिव सिस्टम, नहीं पता सर, क्या बात है, हार्ट, किडनी, ब्रेन, ब्रेन, हार्ट, किडनी, स्टमक, क्या बात, एयर, वाटर, फूड, कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं। चलिए चलिए चलिए, बहुत 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 जानकार हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगा मुझे। अरे भाई साहब ने तो भूत बना के भेज दिया बीच में, कुछ लोग गालियां भी लगाएंगे, खैर कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। पहला स्टमक, पेट, क्या करता है, पहला कौन है, स्टमक, स्टमक का रोल क्या होता है पता है, मैं बताता हूं, दिस ऑर्गन कॉन्ट्रैक्ट्स टू एनहांस योर डाइजेशन इन प्रॉपर वे, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक का कल्याण करता है, निवान करता है, समझ रहे, स्टमक है पहला आपका ऑर्गन, दूसरा है लीवर, स्टमक की संपूर्ण सुरक्षा, डाइजेस्टिव ट्रैक की संपूर्ण सुरक्षा करता है सिगरू, बोलिएगा, फॉलिक एसिड भी है, बीटा कैरोटीन भी है, विटामिन ए बी सी डी ई की सारी संरचनाएं मौजूद है, बहुत गंभीर तरीके से इसकी मदद कर सकता है, बहुत तगड़े तरीके से। दूसरा ऑर्गन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लीवर, कौन है, लीवर, पहला स्टमक, दूसरा लीवर, ये लार्जेस्ट डिटॉक्सिफायर है, क्या है, लार्जेस्ट डिटॉक्सिफायर है, मैंने बोला ना एक एक सेल को रिवॉश, रीहील, रिवॉश वाला जो कंडीशन है ना, जो शरीर से गंदगी को बाहर निकालने का काम है ना, वो लीवर का है, द लार्जेस्ट डिटॉक्सिफायर है, एंड ड्रग मेटाबोलाइजर, ये आपके शरीर का है, क्या है, ड्रग मेटाबोलाइजर एंड सुपर नेचुरल सबसे बड़ा डिटॉक्सिफायर है लीवर का, समझ रहे हैं, ये आपके शरीर से गंदगी को पूरी तरीके से फिल्टर करने का कार्य करता है। उसके बाद तीसरा ऑर्गन है इंपॉर्टेंट लंग, और ये तीनों को सहायता प्रदान करता है अकेला सिगरू, मैंगोस्टीन ना भी मिले तो भी ये कार्यक्रम कर देगा अकेला, अकेला, मैं फिर कह रहा हूं अकेला, इंडिविजुअल इनफ है लंग्स, ये आपके ऑक्सीजन को, आपके, आप जो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यही होता है ना, यही कहानी पड़ी है ना हम लोगों ने बचपन से, तो ये आपके ऑक्सीजन को फिल्टर करके पूरे शरीर तक पहुंचाता है लंग्स, ये आपके शरीर को कनेक्ट करता है प्रॉपर वे में। चौथा ऑर्गन है हार्ट, हृदय, एक मिनट के लिए भी छुट्टी पर चला जाए, इंसान के साथ एक लाइन जुड़ जाता है, राम नाम सत्य है, एक मिनट के लिए भी छुट्टी पर चला जाए तो, 30-40 सेकंड भी चला जाए तो हालत खराब हो जाएगी, नहीं बचेंगे लोग। और आखिरी, जिसके ऊपर पूरे विश्व में 853 किताबें छप चुकी हैं, आखिरी ऑर्गन ऐसा ऑर्गन है, 853 किताबों की जननी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, थिंक एंड ग्रो रिच, समझ रहे हैं आप, सारा खेल तो इसी खोपड़े का है साहब, मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत, जिसने माना हार वो हार गया, जिसने ठाना जीत वो जीत गया, और ये सारा खेल है ब्रेन का, और आखिरी जो ऑर्गन है वो ब्रेन है, और ब्रेन के अंदर जो ताकत चाहिए, ब्रेन के अंदर जो स्फूर्ति चाहिए, ब्रेन को जो विटामिन चाहिए, ब्रेन को जो संतुलन चाहिए, इसके 3 कंपोजिशन को कभी भूलना मत साहब, मोहब्बत कर लेना, विश्व की जितनी कंपनियां है वो एक तरफ, रेनेटस का ये 3 कॉम्पोजिशन जो एक ही डब्बे में कैद है वो एक तरफ, ब्रेन को इससे बेहतर भोजन विश्व की कोई कंपनी नहीं प्रोवाइड कर सकती, जो रेनेटस में पहला इंग्रेडिएंट आता है,
मैंगोस्टीन, जो ज़ेनोथॉन्स कनेक्टिविटी जो प्रदान करता है वो ब्रेन का सबसे तगड़ा खुराक है। दूसरा ब्लैक करंट, पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस, गामा लियोलेनिक। तीसरी संरचना सीएनडीन एंड क्लोरोजेनिक एसिड नेचुरली। तीन जो सॉर्चरी, ब्लैक करंट और मैंगोस्टीन में पाया जाता है। और सिगरू जो है, सिगरू के अंदर भी उसे पोषण प्रदान करने की शक्ति होती है, लेकिन तीन मेन है ब्रेन को कनेक्ट करने का। आप दिमागी तौर पर कमजोर है, आपको भूल जाने की समस्या है, लगातार आप भूल जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, एकाग्रचित्ता नहीं है, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, बेचैन रहते हैं, डिप्रेशन के पेशेंट रहते हैं, यूज रेनेटस नोवा, यूज रेनेटस नोवा, मोहब्बत हो जाएगी साहब आपको। तीन, पांच ऑर्गन मैंने बताया कौन से, स्टमक, लीवर, लंग्स, हार्ट, ब्रेन। तो आज बेसिकली मैंने ट्रेनिंग के पार्ट में आज यहां तक आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाया है। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मैंने इलस्ट्रेटिव में आपके समक्ष डिलीवर की है। मैं प्लान पे बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगा, आज दिल की चाहत थी कि प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन दूं। कैसा लगा आपको, कैसा लगा आज प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन? बैकग्राउंड नॉइज ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने फिर कहा, बार बार कहता रहा हूं, वक्त, हालात, परिस्थितियां कुछ भी हो, अगर आपने मान लिया है तो हार सुनिश्चित है, ठान लिया है तो जीत सुनिश्चित है। और ये कमांडो ट्रेनिंग को रोकने की ताकत तो अब उसके पास भी नहीं है जिसने इसको, कहते हैं ना, डॉट 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 किया था। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि कमांडो ट्रेनिंग अब आपके परिवार के लिए चलती है, ये कमांडो ट्रेनिंग आपके दबे हुए अरमानों को पूरा करने के लिए चलती है, ये कमांडो ट्रेनिंग आपके परिवार के हर सपनों को पूरा करने के लिए चलती है। और उस ईश्वर में भी कहां इतनी ताकत कि आप सभी के सपनों को कुचल दें। वो कमांडो ट्रेनिंग अब नहीं रुकेगी, अब ये कमांडो ट्रेनिंग नहीं रुकेगी, जब तक आप सभी करोड़पति नहीं बनेंगे ये कमांडो ट्रेनिंग नहीं रुकेगी, क्योंकि आपका ईश्वर, आपका अल्लाह, आपका वाहेगुरु, आपका जीसस आपके साथ है, आपको कभी हार नहीं देगा। अपने अपना ईश्वर है ना, आपकी परीक्षा जरूर लेता, आपको हारने नहीं देता। आपका जो परमेश्वर है ना, हर वक्त आपके साथ मौजूद है, आपको जीता के रहेगा वो। और इसी आपकी जीत की कड़ी में रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट, रेनेटस वेलनेस, ये ऋषिकेश पाठक और हमारे सारे कमांडो ट्रेनर्स, जितने भी लोग रात 8 बजे आते हैं आपको सिखाने के लिए, हम लोग कभी नहीं पीछे हटेंगे। आपको कामयाब बनाना हमारी जिंदगी की पहली प्राथमिकता है, हम कभी नहीं रुकेंगे, कभी नहीं ठहरेंगे। क्या आप ये मुझसे वादा करते हैं कि ना आप कभी रुकेंगे ना आप कभी ठहरेंगे? क्या कमिटमेंट करते हैं? और आज पहली बार प्रोडक्ट के सेशन पे मैं आपसे रेटिंग लेने जा रहा हूं। प्रोडक्ट का सेशन आज मैंने डिलीवर किया है, आप 0 मार्क्स दे सकते हैं मुझे, 10 दे सकते हैं, 30 दे सकते हैं, 40 दे सकते हैं, 50 दे सकते हैं, 100 out of 100 दे सकते हैं। जिनको दिल से बहुत मजा आया हो 100 out of 100 दे सकते हैं, 100 में 100। जिनको बिल्कुल बोरियत लगा हो 50 भी दे सकते हैं, जिनको बिल्कुल ही बहियात लगा हो 0 भी दे सकते हैं। मैं आपके अंक को देखना चाहूंगा कमेंट का ऑप्शन में, मुझे अपनी ट्रेनिंग को अपग्रेड करने में बहुत आनंद आएगा। इससे भी दहाड़ अगली ट्रेनिंग में होगी, ये मेरा वादा है, लेकिन इस ट्रेनिंग की रेटिंग करना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि हर इंसान में खामियां भी होती है, हर इंसान में खूबियां भी होती है। मुझे पता चलना चाहिए कि मेरी जनता को क्या पसंद है, यही मेरा एग्रेशन पसंद है या मेरी शांति पसंद है। मुझे बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आ रहा है। क्या कमेंट्स हैं, अरे दिल जीत लिया साहब, अगली बार और तेज रफ्तार और लंबी दहाड़। फिजिकल ट्रेनिंग पूरे हिंदुस्तान में स्टार्ट हो चुका है, कमांडो ट्रेनिंग ने जो रूप लिया था तब इसका विस्तार प्रारंभ है। अब फिजिकल कमांडो ट्रेनिंग की बदौलत रेनेटस रॉक करेगा पूरे हिंदुस्तान में विद इन द टाइम फ्रेम। हिंदुस्तान की नंबर वन कंपनी बनने के लिए तैयार है रेनेटस। आने वाले वक्त में विश्व का भी नंबर वन हम सभी मिलकर बनाएंगे। बस आपका यही प्यार, यही समर्पण मुझे चाहिए। एक भाई ने भी मेरा नंबर नहीं काटा यार, सबके सब 100 दोगे यार, बड़ा अभिमान आ जाएगा मेरे अंदर।
क्या बात है। अरे एक भाई ने मेरा दे दिया 80 80। थैंक यू भाई, किसी ने तो इज्जत रखा। प्राउड रेनोवियंस 80, थैंक यू। चलिए चलिए, दिल जीत लिया है आप लोगों ने, और आपके इन्हीं कमेंट्स की वजह से बहुत बहुत सुकून मिलता है मुझे। जब भी रात, ये रात तो पहले भी हुआ करती थी, ये रात तो आज भी होती है, लेकिन जब ये रात ढलान की ओर होती है तो बड़ा चैन का, सुकून का नींद मिलता है मुझे, क्योंकि मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि आज रात को मैंने किसी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लाई है, किसी के जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाया है मैंने। मुझे ये यकीन होता है और मुझे गर्व की अनुभूति होती है। थैंक यू, थैंक यू बहुत।